हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिस्टिंग सैम्पोनो कार पैक विद अंदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्केट में हैं। तो अभी हमने हमारा न्यू शार्क को लिया, ये देख सकते हैं। तो चलिए सो फ्रेंड्स, घर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घर आ गए। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से डालते, बिकॉज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग इसको हमारे टैंक में इंट्रोड्यूस करेंगे और टेम्परेचर एक्लिमेशन सब कुछ करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा शार्क, तो जल्दी से चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कोई पॉन्ड है। सो फ्रेंड्स, तो अभी जाते वक्त फ़िल्टर वगैरह सब कुछ बंद करके गया हूँ मैं। इसके ऊपर जाली भी लगी है ताकि कोई भी फिशेस वगैरह जंप ना करे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे अल्बिनो के साथ एक और ब्लैक इरेशन शक फिश ज्वाइन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा ब्लैक इरेशन शक फिश, हम लोग इसको जल्दी से एक्लिमेशन के लिए डालते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है हमारा इरेडेशन शॉक फिश। देख सकते हैं पूरी तरह से शांत बैठा है, तो ये स्ट्रेस में है। तो अभी ये डाल चुके हैं सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे बैठा ये देखिए, पूरी तरह से शॉक में है सो फ्रेंड्स। तो एक्चुअली शार्क को हमें ऐसा ही लाइट ऑन करके नहीं डालना चाहिए, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए चालू किया सो फ्रेंड्स, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। तो चलिए सो फ्रेंड्स, हम लोग हम इसको ऐड करते हैं। तो ये देखिए सो फ्रेंड्स, हमने अकेला हो तो ऐसा एक सब कुछ संभालना पड़ता है। तो ये देखिए हमने इसके अंदर नेट डाल दी है और इसके साथ फिश को डाल देंगे। तो ये रहा हमारा रेडिएशन शार्क फिश। तो अभी ये थोड़ा मूवमेंट करने लगा है, अरे बाप रे, एक मिनट। तो भाई दे, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमने जाली को ऐसा छोड़ दिया है। तो ऐसे आपको फोर्सफुली फिश को आप लोगों को एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस नहीं करना है। देख के गाइज, जब फिश अपने आप खुद निकल जाएगा तब। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है गाइज़। तो देख सकते हैं मेरे रेडिएशन फिश अभी स्लोली निकल रहा है। ओ बाप रे, तो गाइज़ बहुत ही ज़्यादा इसका कलर फेड हुआ है, ये वाइट स्पॉट डिजीज नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं एक घंटे के बाद हमारा शार्क अच्छे से सेटल हो रहा है, अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और इसके साथ आप लोगों को पहले बता रहा कि ये जो फिन के ऊपर देख सकते हो, जो बैक फिन है सो फ्रेंड्स, तो इस फिन पे आप लोग देख सकते हैं डोर्सल फिन के पास, तो ये वाइट वाइट पैचेस आप लोगों को दिख रहे, लेकिन एक्चुअली में ये वाइट स्पॉट्स नहीं है, ये ऐसे कलर फेड होने की वजह से और थोड़ा बहुत डैमेजेस हुआ रहता है इनके फिन्स के ऊपर, तो इसकी वजह से आप लोगों को ऐसे दिखा गया ये। बिकॉज गाइज, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करके आ ही रहे थे, मतलब कि हमारे जो स्टॉक होता है ये मुंबई से आते हैं और इससे मुंबई से और बाद में हमारे कर्नाटका के अंदर एंटर होता है, बाद में इसके बाद हमारे सिटी के पास आता है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है फिशेस को, तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा इस फिशेस स्ट्रेस में आते हैं और इसके साथ इनके फिन्स भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। जैसे हमारे अल्बिनो था सो फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों ने पहले उसका ऐड करने का वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि उसका भी फिन्स वगैरह सब कुछ डैमेज हुए थे, लेकिन देख सकते हैं अल्बिनो का ग्रोथ और ये देख सकते हैं सो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अच्छा हेल्दी है हमारा अल्बिनो इरेडिएशन फिश। आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग जज कर सकते हैं कि कौन सा कैसे हमने फिश को फीड किया है और इसके साथ कितना अच्छा केयर किया। तो फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो यही था। तो फ्रेंड्स, इसका अपडेट आप लोगों को फ्यूचर में देंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।